नमस्कार दोस्तों, मैं जी थोड़ा वैद मलकी। तो मैं थोनों दसन जा रहा अज बहुत ही वधिया योग जिसनू बनाउण एक साल घट्टो घट लगता है। कई वैद है जो डेढ़ डेढ़ साल लगा देंगे दे। बहुत ही अच्छा योग है, अतुल शक्ति दाता योग। बाजार चो भी थानू मिल जाएगा, पर जो ग्रंथां दे विच दस्या होया वो योग जे तुसी खुद तैयार कर दे अतुल शक्ति दाता योग तां तुहानू 100% रिजल्ट मिलेगा। एक खुराक तो ही तुहानू रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो रेडीमेड अतुल शक्ति दाता योग मिलता उहदा तुहानू इन्ना रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत ही घट्ट है, क्योंकि उहदे विच उन्नी मेहनत नहीं हुंदी, उन्नी अगां नहीं दित्तियां हुंदियां। कई ग्रंथां च इहनूं 64 वार अग देणी है, 164 वार भी इहनूं कई लोक अग्गा दिंदे ने। अलग अलग विधियां ने बनाउण दीआं अलग अलग ग्रंथां च। अगर तुसीं इहनूं 64 अग्गां देख के भी बना लैणे हो तां भी तुहाडा इह 100% जो इह कम करेगा। बहुत ही अच्छा योग है। 80 साल दे बुढ़ा बंदा भी दो जनानी नाल ब्याह करवाउण दे काबल हो जांदा है। उन्हां नाल पूरी रात संभोग करके जो अपनी इंद्री है वह नीचे नहीं डिगदी। बहुत अच्छा योग है। बहुत पुराने वैद नूं वरतदे आ रहे ने, बहुत वैदां दा फेवरेट योगां च योग आउंदा। बहुत ही अच्छा योग है। 100 ग्राम तुसीं ने लोह भस्म लैणी है, 100 पुट्टी। अगर तुसीं इहनूं 64 अग्गां देणियां ने तां उहदी विधि दस रहा तुहानूं, असीं बनावांगे वीडियो दे नाल नाल बनावांगे, तां तुसीं उहदे नाल नाल अगर किसी वीर ने वैद ने तैयार करनी है तां कर सकदा है। बहुत ही अच्छा योग है। ग्रंथ चो पढ़ के आपां इहनूं तैयार कर रहे हैं। पहला आपां कदे तैयार नहीं कीती, आपां रेडीमेड वरतदे सी, पर हुण आपां इहनूं तैयार करांगे, खुद भी वरतांगे ते दोस्तां मित्रां नूं ते पेशेंटां नूं भी आपां देवांगे। 100 ग्राम तुसीं ने 100 पुट्टी लोह भस्म लैणी है किसी अच्छी कंपनी की। पहली अग देने तो पहला 5 ग्राम सफेद संखिया, 1 ग्राम कपूर पा के कुमार एलोवेरा के रस घोट के 3 घंटे खल करके टिक्की बना के तेज़ धुप्प च सुकाउणी है। फिर इहनूं कापड़ मिट्टी करके किसी कूजे विच पा के रख के 5 किलो गोहें की अग देनी है। इस तरह तुसीं इहनूं 16 वार करना है। अग दिंदे रहो, खरल करदे रहो, अग दिंदे रहो। 16 वार करन तों बाद फिर इहदे विच 5 ग्राम हड़ताल वर्किया, 1 ग्राम कपूर पा के पहलां दी तरह 41 अग्गां फेर देनियां ने। फिर इहदे विच शुद्ध पारा 5 ग्राम, कपूर 1 ग्राम पा के फिर इहनूं तुसीं 16 अग्गां देनियां ने। तो जो लास्ट अग देनी है उहदे शुद्ध गंधक 5 ग्राम, कपूर 1 ग्राम पा के 16 अग्गां इहनूं देनियां ने। जो तुहाडा इह योग है तैयार हो जू। जो आखिरी अग है, आखिरी अग दे के भस्म नूं तोल के देखो, यह तुहाडी जो वाह वजन निकलेगी 100 ग्राम ही निकलेगी। यह भस्म विच पाए गए जो संख्या हड़ताल पारा गंधक ये आपदे गुणे दे विच छड्ड के उड जांदे आ। इस भस्म दा रंग जामणी होएगा, बहुत ही अच्छा इहदा कलर होएगा। ते एक बाकी इहदा इक आपां पार्ट होर बनावांगे। जदों जदों इह भस्म नूं तैयार करदे जावांगे उहदे नाल नाल तुहानूं पूरी विधि आपां दस्सदे जावांगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इहदियां एंड ते गोलियां तैयार करांगे आपां होर योग च पा के। बहुत ही अच्छा जो इहदा रिजल्ट मिलेगा। ना मर्दी, सिगर पतन, कमजोरी, जादू वर्गा असर दिखाऊगी। बहुत ही अच्छा इहदा तुहानूं रिजल्ट मिलेगा। इह भस्म 40 दिन वरत नाल मर्द हैगा जो 100 औरतां नूं इक बार संभोग करन दी शक्ति रखदा है। इन्ना तकड़ा योग बनू, बहुत ही तकड़ा। साल तो डेढ़ साल इहनूं लग जाणा है। अगर किसी वैद कोल इदां दा योग बनिया पिया तां तुसीं उहनूं लो, वरतो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर लेना चाहो तां तुहानूं बाज़ार चों भी मिल जाएगा, पर उहदा तुहानूं ओडा रिजल्ट नहीं मिलेगा जिड्डा किसी वैद ने अपने हत्थीं तैयार किया है। बहुत ही अच्छा योग है। तो इस योग के नाल नाल आपां इक सिंगरफ भस्म भी जो आपां तैयार करनी है, उहनूं भी कुछ टाइम लगेगा। अंज
ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰ ਭਸਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰ ਭਸਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ 9888238200। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।